हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज फिर एक बिल्कुल नया और फ्रेश वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है फ्रेंड, वो एक दिन में कितने यूनिट बिजली बनाएगा। सुबह से लेकर शाम तक हम देखेंगे। एक बार फ्रेंड हम सुबह 6 बजे रीडिंग लेंगे, उसके बाद फ्रेंड हम शाम को जब सूर्य की आखिरी किरण रहेगी उस टाइम रीडिंग लेंगे। तो फ्रेंड, पूरे दिन में हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि कितने यूनिट बिजली बनाता है हमारा 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम, जिस पे कि फ्रेंड हमने MPPT सोलर इन्वर्टर लगाया हुआ है, UTL गामा प्लस। तो फ्रेंड मैं हूँ दिलकुश, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो फ्रेंड देखिए, अभी टाइम हुआ है सुबह के 6 बजे हैं और फ्रेंड हम एक बार UTL गामा प्लस की स्क्रीन पर देख लेते हैं रीडिंग। देखिए, अभी 149 मेंस अवेलेबल है और 1.1-1.2 एम्पियर से अभी हमारी सोलर से आ रहे हैं और 12.6 वोल्ट पर हमारी बैटरी है। और फ्रेंड यहाँ पे देखिए, जो मेंस है वो अभी ऑन है, मतलब पूरा लोड मेन से चल रहा है क्योंकि सुबह के 6 बजे अभी बहुत कम धूप है। 238 यूनिट अभी हमने सेव कर चुके हैं इससे। तो फ्रेंड सुबह 6 बजे रीडिंग 238 यूनिट है और 0.7 एम्पियर SPV से आ रहे हैं। देखिए 25 वोल्ट आ रहे हैं सोलर पैनल से, क्योंकि अभी सुबह है, बहुत ही कम एनर्जी आ रही है, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। और देखिए SPV से लगभग 1.2 एम्पियर से बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, क्योंकि हमारा MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर इसलिए बूस्ट कर रहा है। जीरो सोलर से आ रहे हैं, 0.7-0.8 आ रहे हैं और ये 1.3 एम्पियर से हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है। और बैटरी का वोल्टेज है 12.6 वोल्ट है। फ्रेंड अभी सुबह का 6 बजा है और 238 यूनिट अभी हमारी रीडिंग है। देखिए आप क्लियरली देख पा रहे होंगे फ्रेंड, सुबह के 6 बजे जो हमारा जो यूनिट KWH है, जो हमारे इन्वर्टर की रीडिंग है, वो है 238। अब फ्रेंड हम शाम को रीडिंग लेंगे इसकी, जब सूरज ढल जाएगा बिल्कुल, तो उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी यहाँ पे रीडिंग हुई है। तो हेलो फ्रेंड्स, टाइम हो गया है, शाम के 7 बज चुके हैं और फ्रेंड यहाँ पे देखिए, अभी सोलर से जो एनर्जी आ रही है वो बहुत कम हो चुकी है, 0.3 एम्पियर। देखिए 0.3 एम्पियर, तो लगभग फ्रेंड देखिए सूरज बिल्कुल ढल चुका है। तो फ्रेंड हम देखने वाले हैं, सुबह हमने इसकी रीडिंग देखी थी, अब शाम को हम इसकी रीडिंग देखेंगे कि कितने यूनिट बिजली बनी है। तो फ्रेंड देखिए, सोलर से आ रहे हैं 17.7, मतलब 18 वोल्ट आ रहे हैं अभी और 0.3 एम्पियर आ रहे हैं। देखिए आगे 22% अभी लोड चल रहा है करंट में, 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है, 219 वोल्ट और 0 एम्पियर बैटरी में जा रहे हैं, क्योंकि हमारा 22% लोड चल रहा है। बैटरी का वोल्टेज फ्रेंड अभी आ चुका है 12 वोल्ट। देखिए बैटरी हमारी 12 वोल्ट पे है और मेंस ऑफ है। देखिए 240.8 जो यूनिट है शाम तक वो ये 240.8। तो फ्रेंड अब हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आज लोड फ्रेंड कम चला होगा, क्योंकि आज हमने कूलर नहीं चलाया था, इसलिए थोड़ा कम यूनिट बनी है। यहाँ पे देखिए, कल जो सुबह हमने रीडिंग देखी थी वो तो 238 यूनिट थी, अभी फ्रेंड यहाँ पे बिजली की यूनिट दिखा रहा है ये 240.8, मतलब 2.8 यूनिट आज बिजली बनी है। जो 1 किलोवाट का हमारा सोलर सिस्टम है उससे बैटरी भी चार्ज हुई है और फ्रेंड लोड बहुत कम चला है आज, और क्योंकि आज सूरज भी कम निकला है, दिन में छाव हो गई थी क्योंकि अभी बादल छाए हुए हैं, तो फ्रेंड उसके अकॉर्डिंग आज 2.8 यूनिट टोटल जनरेशन हुआ आज के दिन। आज है 25 मई है। तो फ्रेंड ये था आज का जनरेशन और 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम का UTL गामा प्लस के साथ एक दिन का जनरेशन। बट फ्रेंड आज क्या है, बादल हुए हैं इसलिए थोड़ा जनरेशन कम हुआ है, वैसे 3 से 4 यूनिट ये आराम से बना देता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें।